हेलो दोस्तों, अगर आपको कब्ज है और आप बार बार लेटरिन जाते हैं लेकिन पेट भी आपका पेट साफ नहीं हो पाता है और आपको लगता है कि आपके पेट कुछ रखा हुआ है, भारी भारी सा लगता है या फूला फूला सा लगता है, तो आज हम रिव्यू करेंगे डल्कोफ्लेक्स टेबलेट का और डल्कोफ्लेक्स सीरप का। ये इसके अंदर बिसोप्रोडिल होता है। ये जो 5 mg की टेबलेट आती है या सीरप आती है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पेट साफ करने के लिए, क्योंकि जब लोगों को कब्ज की दिक्कतें आने लगती हैं तब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है, और कई बार डॉक्टर इसको पोस्ट सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले भी पेशेंट के साथ इस्तेमाल करता है ताकि उनकी आंतों को साफ किया जा सके और उनके पूरा जो पेट होता है वो बेहतरीन तरीके से साफ हो जाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका जो मल होता है या आपकी जो पॉटी होती है वो ठीक से पेट से साफ नहीं हो पाती है, जिस कारण से आपको पेट भारी भारी सा लगता है और आप कुछ भी खाते हैं और आपको बार बार ऐसा महसूस होता है कि आप बार बार लेटरिन जाए और तब भी उसके बाद पेट साफ नहीं हो पाता है। तो आप ये बिसोप्रोडिल यानी कि डल्कोफ्लेक्स की टैबलेट आप ले सकते हैं। इसका सबसे सही इस्तेमाल करने का समय होता है रात में, अगर आप रात में 1 या 2 टैबलेट लें, क्योंकि 5 mg की टैबलेट आती है और मैक्सिमम डोज इसका 15 mg का होता है, तो 2 टैबलेट लगभग आपकी 10 mg की हो जाती है। तो आप ये 2 टैबलेट कुनकुने पानी के साथ ले सकते हैं, या अगर आप सीरप लेना चाहें तो आप सीरप भी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप रात में कुनकुने पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको उसके खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है, खाने के 1 या 2 घंटे बाद ले। अगर आपने 8 बजे अपना डिनर किया है तो आप लगभग इसको 10 बजे या 10:30 बजे 11 बजे करीब आप इसको ले सकते हैं, और इसका बेहतरीन समय रात में ही है ताकि इसको 4-6 घंटे इसको मिल जाते हैं ताकि आपका पेट को पूरी तरीके से साफ कर सके, और सुबह जब आपको मोशन होंगे तो पूरा आपका पेट साफ हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पैरासिटिक मूवमेंट को बढ़ाती है और बड़े आपके अंदर जो आपकी पानी की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करती है, जिससे कि आपके स्टूल सॉफ्ट हो जाते हैं, तो आपको पेट में बहुत अच्छी राहत मिलती है और पेट आपका खाली खाली सा महसूस होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि इसको अगर आप DSR कैप्सूल या कोई एंटा एसिड ले रहे हैं तो उसके साथ आप इस टेबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये उसकी जो कार्य क्षमता होती है उसको कम कर देती है, और साथ में ही आप इसको दूध के साथ ना लें क्योंकि दूध या एंटा एसिड इसकी कार्य क्षमता को कम कर देते हैं, जिस कारण से आपको इसका पूरा 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप इस टेबलेट को कुनकुने पानी के साथ ही लें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप अपने डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी दवाई आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें वो ज्यादा अच्छा